खैर इस समय हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं यानी नरवाल पर, जहां पर सुबह की अगर बात करें लगभग 11 से सवा 11 के बीच में एक के बाद एक यकायक जो कि मिस्टीरियस ब्लास्ट होते हैं जिसमें लगभग 7 लोग घायल होते हैं जिन्हें उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू में पहुंचाया जाता है। और उसी के चलते अब बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, एलजी महोदय ने 50,000 रुपये का यानी कि मुआवजा उन लोगों के लिए जो इस गटरा में यानी इस हादसे में जिन जो जख्मी हों उनके लिए घोषणा की है। और साथ ही साथ एलजी मोहद्दी ने ये कहा है कि उनने स्ट्रांगली कंडेम किया इस घटना को लेकर जो नरवाल में जिस तरह से सुबह ट्विन अगर बात करें ब्लास्ट हुए, और साथ ही साथ उन्होंने सीनियर जो ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्होंने सख्त से सख्त इस पर नाराजगी जताई और साथ ही साथ ये कहा है उन्होंने कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई हुई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये अभी तक का जो बड़ा अपडेट है जो अब तक हम ला रहे हैं। और एलजी मोदी ने उन लोगों के लिए जो इस हादसे में जख्मी है उनके साथ अपनी संवेदना जताई है और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 50,000 रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है जो कि इस ट्विन ब्लास्ट में जो जख्मी हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो उन्हें बेस्ट से बेस्ट उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो पॉसिबल संभव हो सकेगा। फिलहाल अभी तक कि ये बड़ी खबर है, एलजी महोदय ने इस पूरे घटने की जब जानकारी मिली उन्होंने जो कि पुलिस के हाई ऑफिसर द्वारा उन तक जानकारी पहुंची उसी के चलते उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। जो लोग नरवाल के ट्विन ब्लास्ट में मिस्टीरियस ब्लास्ट में जो कि जिनकी यह जख्मी हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ उन्होंने चिंता भी जताई है, ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में और अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के चलते उन्होंने घायलों के साथ संवेदना भी जताई है और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला कि जो लोग नरवाल जो मिस्टीरियस ब्लास्ट में जो जख्मी हुए इंजर्ड हुए उनके लिए 50,000 रुपए की घोषणा की है। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले।